बच्चों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, साथ ही नियमित व्यायाम भी करना चाहिए और अच्छा भोजन खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा बच्चों, अच्छा भोजन का क्या मतलब है? अच्छा भोजन मतलब संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वसा इत्यादि शामिल होते हैं। तो बच्चों आइए, आज हम ऐसे ही कुछ भोज्य पदार्थों पर परीक्षण करते हैं और पता करते हैं कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है। तो सबसे पहले हम वसा परीक्षण करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पेट्री डिश में काजू, बादाम और मूंगफली को लिया है और साथ ही 3 कागज के टुकड़े लिए हैं, जिस पर मैंने काजू, बादाम, मूंगफली पहले से लिख कर रखा है। हम एक एक करके इस कागज पर इसको रगड़ते हैं। हल्के हाथ से हमें रगड़ना है। देखिए, इस प्रकार से रगड़ने के बाद आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम बादाम को भी इस कागज के टुकड़े पर हल्के हाथों से रगड़ेंगे। जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसी प्रकार से हम मूंगफली के दाने को भी इस कागज के टुकड़े पर हल्के हाथों से रगड़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे और सूखने के बाद इसको हम लाइट में देखेंगे। इस प्रकार से जब हमने काजू को इस कागज पर रगड़ा तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है और आप अगर इसको छुएंगे तो छूने में हमको चिकना लग रहा है और साथ ही इस पर लाइट अगर आप डालते हैं तो यह हमें अल्प पारदर्शक दिखाई देगा। बादाम को हमने इस कागज पर रगड़ा था, ये भी हमें अल्प पारदर्शक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से मूंगफली के कागज के टुकड़े को अगर आप देखते हैं तो इसको रगड़ने के बाद इसमें भी अल्प पारदर्शक दिखाई दे रहा है। अब बच्चों हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। तो जिस भी पदार्थ का परीक्षण करना है उसे हम लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दूध लिया है, इसकी जगह आप कोई ठोस पदार्थ भी ले सकते हैं, लेकिन उसे आपको पीस कर उसका विलयन बनाना होगा। साथ ही हमें प्रोटीन परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी और कॉपर सल्फेट या जिसको हम नीला थोता कहते हैं, इसकी भी आवश्यकता हमें होगी। तो सबसे पहले हम एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा दूध लेंगे। अब इस दूध में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसमें डालेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दूध का जो रंग है वो बैंगनी हो गया है। इसका मतलब दूध में प्रोटीन उपस्थित है। बच्चों अब हम स्टार्च परीक्षण करेंगे। स्टार्च परीक्षण करने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिया है। आलू की जगह आप चावल या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चाकू की सहायता से आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को इस परख नली में डालना है।
इस प्रकार से हमने आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर कर परख नली में डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसमें हम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। तीन से चार बूंदें इसमें हम डालेंगे और तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है वो काला नीला या गहरा नीला हो गया है। इसका मतलब ये है कि आलू में स्टार्च उपस्थित है, जिसे हम मंड माड़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने तीनों परीक्षण करके देखे, प्रोटीन, वसा और मंड परीक्षण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बादाम, काजू या मूंगफली हम खाते हैं उसमें वसा उपस्थित है, और जो दूध हम पीते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है, और साथ ही आलू इसमें स्टार्च उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आप अन्य भोज्य पदार्थों पर भी ये परीक्षण करके देख सकते हैं।